नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम 3i इन्फोटेक लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पे जो 375.30% का जो इंक्रीज लेवल दिखा रहा है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो इंक्रीज लेवल है हमारे लिए फ़ायदा दिखा रहा है या फिर नुकसान दिखा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको 3i इन्फोटेक के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको समझने में भी और भी ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 3i इन्फोटेक जो है वो डीलिस्ट हो गया था शेयर मार्केट से। तो यहाँ पे रिलिस्टिंग डेट कितना था? 22 अक्टूबर। देखिए यहाँ पे डीलिस्ट हुआ था, अगर हम बात करते हैं डीलिस्टिंग डेट का, तो यहाँ पर 27 अगस्त को लास्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 8 रुपये और 45 पैसा था, ठीक है। लेकिन 22 अक्टूबर को जब यहाँ पे हमें मार्केट ओपन होते हुए दिखा, तब यहाँ पे उसका प्राइस कितना था? 31 रुपीज़। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो हुआ है वो पैनी स्टॉक जो था, पैनी स्टॉक ख़त्म होके एक बिल्कुल फ्रेश स्टॉक बन गया है, ठीक है। यहाँ पे पैनी स्टॉक, ये वाला जो स्टॉक है 3i इन्फोटेक लिमिटेड के तरफ से, ये जो स्टॉक है वो अभी पैनी स्टॉक नहीं रहा, ये अच्छा खासा स्टॉक बन चुका है। तो इसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर पहले से शेयर होल्ड किए हुए हैं तो उसका क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी आगे डिस्कस होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अभी नुकसान हो रहा है या फिर प्रॉफिट, क्योंकि हमारे दोस्तों ने और बहुत सारे यहाँ पे मेरे कमेंट किया था कि ये जो कंपनी है 375.30% जो इंक्रीज लेवल दिखा रहा है, पहले अगर हम शेयर खरीद कर रख देते तो कितना अच्छा होता, अभी हम तो लखपति बन जाते, ठीक है। तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी था 90% शेयर कंपनी के ओर से घटाया जा चुका है, समझ लीजिए। एग्जांपल के थ्रू पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पे मेरा 8 रुपये का 10 शेयर मैंने ख़रीदा है, मतलब 80 रुपये का मैंने 10 शेयर ख़रीद लिया, तो मेरे पास अभी 10 शेयर हैं। कितना डेट देखिए यहाँ पे, 16 अगस्त, समझ लीजिए मैंने 16 अगस्त को 10 शेयर ख़रीदा है 8 रुपये करके, जो कि 80 रुपये का वैल्यू उसका हो गया है। और यहाँ पे हमें क्या पता चला, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त, यहाँ पे 24 अगस्त के आसपास हमें एक नोटिस आया कि 90% शेयर जो है ये घटा दिया जाएगा कंपनी की ओर से, मतलब मेरा जो 10 शेयर है वो 1 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा तो एक तरीके से नुकसान हो गया। लेकिन कंपनी की ओर से ये भी कहा गया था कि जो 80 रुपये का, मतलब मेरे पास जो 80 रुपये का शेयर है, उस 1 शेयर का वैल्यू भी 80 रुपये ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ कहा गया था, मतलब वैल्यू नहीं कमेगा यहाँ पे, सिर्फ क्वांटिटी कमने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो लिस्टेड हुआ था, जब मतलब डीलिस्ट होने के बाद रिलिस्ट हुआ था, तो यहाँ पे देखिए मेरा तो 80 रुपये का शेयर था, तो यहाँ पे एक शेयर मेरे पास है अभी 22 अक्टूबर के बाद से, मेरे पास जो 10 शेयर था वो तो अभी 1 शेयर हो गया, वो तो 80 रुपये का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप 31 रुपीज़ का है, मतलब मेरा तो अभी भी नुकसान चल रहा है। आप समझ सकते हैं 375.30% इंक्रीज पॉइंट, अपर सर्किट, इतना बड़ा अपर सर्किट दिखने के बावजूद हमें यहाँ पे नुकसान पे चल रहा है मेरा स्टॉक, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपका अभी नुकसान पे चल रहा है या फिर प्रॉफिट पे चल रहा है।
तो ये तो साफ हो गया कि इतना बड़ा हाई जंप करने के बावजूद हमें यहाँ पे किसी भी जितना भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, जितना भी यहाँ पे शेयर होल्ड किए हुए होंगे शेयर होल्डर्स, सभी का अभी नुकसान पे ही चल रहा है, जो कि यहाँ पे रिलीज्ड होने के बाद 48 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। यहाँ पे 32 या फिर 31 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पे रिलीज्ड हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है और हमें डीग्रोथ के मतलब डीग्रोथ की तरफ इंगित कर रहा है, और हमें जो नुकसान दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान पे चल रहे हैं ये जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं इन्वेस्टर लोग, ठीक है, उसका सभी नुकसान पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा जंप आया है, उस जंप का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि आगे जाके क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, देखिए आगे जाके क्या होगा ये तो कोई भी बता नहीं सकता, अगर बता सकता तो हो ही जाता सब कुछ ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनी है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कंपनी के ओर से, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो टेक्निकल कंपनी है, फंडामेंटल अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसके ऊपर पता चल रहा है कि 5G जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, मतलब 5G के ऊपर काम कर रहा है। तो ये काम अगर सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो प्रोजेक्ट है 5G के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है ये कंपनी। और आपको पता ही है कि ये एक आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और 5G के ऊपर काम कर रहा है, मतलब आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हमें फ्यूचर देखने को मिल सकता है अगर ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल वर्क कर जाता है। तो फिर मतलब हमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और जितने भी यहाँ पे मतलब पेनी स्टॉक जब था तो यहाँ पे जितना भी कंपनी का कर्जा था, तो सब कुछ यहाँ पे 90% शेयर घटाने के बाद जो भी पैसा था वो सब कर्जे के, मतलब जितना भी कर्जा था सब कुछ चुकता करके एकदम फ्रेश स्टॉक हो चुका है और फ्रेश कंपनी हो चुका है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं अच्छा खासा इन्वेस्ट अगर आपको आईटी कंपनी के ऊपर विश्वास है, अगर आप आईटी से जुड़ी हुई कंपनी से मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब और आईटी कंपनी के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसका फाइनेंशियल कंडीशन देखें, तो फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद हमें क्या लगता है उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सब कुछ अभी आपको डीग्रोथ की तरफ ही इंगित करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू -33% हो गया है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक से बड़ा स्टॉक चला गया है और इसका जो बजट है बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, और जितना भी इसका कर्जा था सब कुछ चुकता करने में इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा डीग्रोथ में चला गया है, ठीक है। तो ये जो आईटी कंपनी होता है, तो आईटी कंपनी के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आईटी कंपनी है इसीलिए, ठीक है। अगर आईटी कंपनी से अगर आप कोई भी दूसरा कंपनी का कंपेयर करते हैं, जैसे कि VI कंपनी हो गया, तो ऐसे अगर कोई भी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सब कुछ डिक्रीज लेवल में देखने को मिल रहा है अभी फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो -33.29% के आसपास हमें डीग्रोथ देखने को मिल रहा है इसी ईयर में। और नीट इनकम की अगर बात करते हैं तो इनकम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए 90% यहाँ पर शेयर घटाया जा चुका है, और उसके बावजूद अभी तक इनकम हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन आगे जो प्रोजेक्ट ये जो लॉन्च किया है 5G आने वाला है, 5G के ऊपर वर्क कर रहा है, अगर 5G वर्क कर जाता है तो फिर आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जितने भी शेयर खरीदे हुए हैं, तो अभी तो सबसे अच्छा तरीका है इसको होल्ड करने के, रख सकते होल्ड करने के ही सबसे अच्छा तरीका अभी है, होल्ड करके आप रख सकते हैं।
और अगर हम बात करते हैं इसका जो शेयर है, सॉरी शेयर अभी खरीद के रखना अच्छा रहेगा या फिर अच्छा नहीं रहेगा, तो अगले हमें अभी तक एक महीने तक देखना पड़ेगा कि अभी ये जो शेयर है वो कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और कैसा आगे परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके ऊपर ही हम कुछ बता सकते हैं और अगला ग्राफ एनालाइज के ऊपर ही हम कुछ बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाए, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब भी आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है और आगे आपको क्या करना चाहिए, इसका शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो के ऊपर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।